नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN न्यूज पर। टॉप 10 के साथ में मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुधवार को कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में IIP यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस के उद्घाटन को लेकर LG और दिल्ली सरकार में क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। वहीं उपराज्यपाल दफ्तर का दावा है कि उद्घाटन उपराज्यपाल को ही करना था। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो और पीड़ितों के बीच की चैट सामने आई है। डिस्कॉर्ड ऐप पर नाम बदल कर ये चैट किया करते थे। मध्य प्रदेश के सीहोर के गांव मुंगावली में बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। सेना के बाद दिल्ली और राजस्थान से विशेष टीम आज पहुंचेगी। बच्ची 100 फीट से अधिक की गहराई में फंसी है। NDRF, SDRF और सेना के जवान इस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पंजाब के अमृतसर में BSF और पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन ने अमृतसर में भैनी राजपूताना गांव के पास भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। सांसद संजय राउत ने कुछ मुस्लिम युवकों की ओर से औरंगजेब का स्टेटस लगाए जाने के बाद कोल्हापुर में पैदा हुए तनाव के लिए BJP नेता और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई में लिव इन पार्टनर की हत्या मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। शव को डिस्पोज करने को लेकर भी कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। पड़ोसियों ने बताया था कि मनोज पिछले 2 दिनों से आवारा कुत्तों को कुछ खिला रहा था। इसके अलावा पुलिस बॉडी पार्ट्स को ड्रेनेज लाइन में फेंकने की भी आशंका जता रही है। ऐसे में पुलिस आवारा कुत्तों और दूसरी जगहों की जांच कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर की घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें महाराष्ट्र में कहां से पैदा हो गई, इसका पता लगाना पड़ेगा। किसी भी हालत में औरंगजेब की इन औलादों को वे छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन उन्हें अपील की कि नागरिक इस वक्त कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करे। महाराष्ट्र में मानसून से पहले तूफान आने जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटे में मुंबई और कोंकण के समुद्री किनारों से इस चक्रवाती तूफान से टकराने का अनुमान है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैंकर, सिंगर, सोशल एक्टिविस्ट पत्नी अमृता फडणवीस एक बार फिर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। इस बार उन्होंने एक फोटोशूट की, इस वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। यदि आज की टॉप 10 आप बने रहे हमारे साथ NBC न्यूज में।